बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे SERT वर्कशीट कार्यपत्रक 4, विषय हिंदी, कक्षा 3 की है। चलिए देखते हैं, बिना किसी देरी के वर्कशीट शुरू करते हैं। भाग संख्या 1, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया बच्चों। नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। यहाँ पे देखिए कहानी का अंश दिया, इसे पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। जंगल में विशाल वट वृक्ष था, उसमें तरह तरह के पक्षी रहते थे। छोटे जानवरों से कई किस्में थी छोटे जानवरों की कई किस्में थी। घोंसलों में रहने वाले पक्षियों की बड़ी तादाद थी। पेड़ों के तनों में कई गहरे कांटे कोटर भी थे, जिसमें तोते, गिलहरियाँ, उल्लू आदि रहते थे। तो पेड़ के तनों में कई गहरे क्या थे? कोटर, जिसमें कौन रहते थे? तोते, गिलहरियाँ, उल्लू आदि रहते थे। पेड़ों की जड़ों के आसपास गड्ढे में कौन रहता था? चूहे, खरगोश, सांप के रहने की जगह थी। सुबह शाम जोरदार चहचहाट के आसपास के इलाके में रौनक रहती थी। जब सुबह शाम जोरदार चहचहाट से जो यहाँ के आसपास के इलाके थे वहाँ पर रौनक सी रहती थी, क्योंकि सभी जानवर एक वृक्ष में रहते थे। चलिए देखते क्या दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं सही विकल्प से बच्चों। चलिए देखते क्या है। प्रश्न 1, जंगल में वट वृक्ष कैसा था? लंबा, चौड़ा, विशाल या कमजोर? तो विशाल। दूसरा क्वेश्चन है, गड्ढों में कौन से जानवर रहते थे बच्चों? यहाँ पे चूहा, खरगोश, सांप या तोते, गिलहरियाँ, उल्लू? चूहा, गिलहरी, उल्लू, तोते, खरगोश, उल्लू। तो गड्ढे में चूहा, खरगोश और सांप रहते थे। पक्षी कहाँ रहते थे? जड़ों में, घोंसलों में, गड्ढों में या डालों में? तो पक्षी उसकी जड़ों में। यहाँ पे देखिए पक्षी दिखा देती हूँ, घोंसले बना के बड़ी तादाद में वहाँ पे घोंसले में रहते थे पेड़ पे। तो पक्षी घोंसले में रहते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 4, सुबह शाम जोरदार चहचहाहट से आसपास के इलाके में रौनक रहती थी, इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए आपको ये रेखांकित किया गया है इलाके, तो इलाके का जो है उसका अर्थ क्या है? जंगल, खेत, ई क्षेत्र या क्यारी? तो इलाके मतलब क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5, किसकी चहचहाट से इलाके में रौनक रहती है? तो पक्षियों की, खरगोश की, सांप की या गिलहरियों की? तो यहाँ पे पक्षियों की चहचहाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 2, दी गई कविता के अंश को पढ़िए। यहाँ पे आपको कविता दी गई बच्चों, इसे पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। नाम मेरा है आम जी, मैं करता बहुत से काम जी। फलों का राजा मुझे है कहते, सभी चाव से मुझको खाते। विटामिन से मैं हूँ भरपूर, कोई नहीं है मुझसे दूर। गर्मी के मौसम में आता, दूर न कोई रह पाता। कितनी मीठी कविता है, बिल्कुल एक आम के फल की तरह बच्चों। चलिए देखते क्या दिया हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे प्रश्न दिए गए, इन्हें विकल्प चुनने हैं। चलिए देखते क्या है। प्रश्न 6, कविता के अनुसार फलों का राजा कौन है? केला, अमरूद, आम या सेब? तो आम है। 7, कविता में दूर शब्द कितनी बार आया है? 4 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार? तो 2 बार आया है। 8, क्या है? गर्मी के मौसम में आता, पंक्ति में रेखांकित शब्द का उल्टा अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए ये रेखांकित किया है गर्मी, इसका उल्टा क्या है? रात, शाम, सर्दी या दोपहर? तो गर्मी का उल्टा है सर्दी। यहाँ पे देखिए 9, सभी चाव से मुझको खाते,
चाव का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ पे चाव का अर्थ है शौक से खाना, चबा कर खाना, चुरा कर खाना, जबरदस्ती खाना। तो शौक से खाना मतलब चाव मतलब होता है शौक से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 10। आम फलों का राजा क्यों कहलाता होगा? अपने नाम के कारण, रसीले होने के कारण, हरा होने के कारण या पेड़ पर लगा होने के कारण? तो वह आम फलों का राजा अपना रसीला होने के कारण कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 में क्या करना है हमें? नीचे दिए गए चित्र को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पे ये देखिए, ये चित्र दिया है, इसे आप ध्यान से देखिए। ये देखिए आपको चित्र दिया है, कुछ बच्चे कूड़ा उठा रहे हैं और पीछे बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें बनी हुई हैं। चलिए देखते क्या है। ग्यारहवा प्रश्न 11। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? कूड़ा फैला रहे हैं, खेल रहे हैं, टहल रहे हैं या सफाई कर रहे हैं? तो बच्चे सफाई कर रहे हैं। प्रश्न 12। चित्र में किस देश का झंडा दिखाई दे रहा है? यहाँ पे बच्चों आपको देखिए ये चित्र दिया है, इसमें आपको किस देश का झंडा दिखाई दे रहा है? पीछे ये इंडिया का है, तो यहाँ पे भारत का, भारत का झंडा। ये देखिए नेपाल का, भारत का, चीन का, अमेरिका का, तो भारत का झंडा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चित्र में कौन सी प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गई हैं? यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको बच्चों चित्र दिख रहा है, यहाँ पर कौन सी इमारतें दिखाई गई हैं? एक ये देखिए, ये है ताजमहल और ये है लाल किला। तो यहाँ पे दो इमारतें दिखाई दे रही हैं, लाल किला और ताजमहल दिख रहे हैं। और प्रश्न 14 क्या है? हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? सड़कों पर, कूड़ेदान में, नालों में, कहीं भी? तो हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए बच्चों, गुड हैबिट होती है, कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालें। और यहाँ पे देखिए 15वां है, चित्र क्या संदेश दे रहा है? हमें गंदगी करनी चाहिए, हमें कूड़ा फैलाना चाहिए, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें सड़क पर खेलना चाहिए? तो हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों आपको वर्कशीट कैसी लगी इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन दबा दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय।